आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू हार्टवुड। हार्टवुड के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? तो देखिए, हार्टवुड इज द नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, हैंस इट डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। हार्टवुड सेकेंडरी जाइलम का नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, इसलिए इसमें वाटर एंड मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे दिया है इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एफिशियंसली, जबकि इसमें नहीं पाए जाते हैं। बाकी ए सी एंड डी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एडीपी। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालता है और एटीपी में कन्वर्ट करता है? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो इसका आंसर आप जानते होंगे क्योंकि आप इसे बचपन से पढ़ते आए हैं। इसका राइट आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है? एमेंसलिज्म, एंटीबायोसिस, म्यूजलिज्म या फिर फंजाइस्टेसिस। तो इसका सही आंसर है सी, म्यूचुअलिज्म, बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इन केस ऑफ पोरीफ्रंस द स्पंजोसील इज लाइंड विद फ्लेजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। यानी कि पोरीफ्रंस के केस में इनकी स्पंजोसील्स पर फ्लेजिलेटेड सेल पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं ओस्कुला, कोएनोसाइट्स, मिजेनकाइमल सेल्स या फिर ओस्टिया। इसका राइट आंसर है बी, कोएनोसाइट्स। इन सेल को कोएनोसाइट्स कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स। एरोसोल्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा? पहला स्टेटमेंट है दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न्स। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है। दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं और एग्रीकल्चर पर निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। थर्ड है दे हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो ये सही है। दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ये भी सही है। तो इसका गलत स्टेटमेंट है बी, अ बेबी बॉय एज 2 ईयर्स इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेस थ्रू अ डेंटल चेकअप। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व डैट द बॉय हैड 20 टीथ, विच टीथ वर एबसेंट। यानी कि एक छोटे बच्चे को जो कि 2 साल का था प्ले स्कूल में एडमिट किया गया, जहाँ पे उसका डेंटल चेकअप हुआ। डॉक्टर ने देखा कि उसके केवल 20 दांत हैं। तो बच्चे के कौन से दांत नहीं होंगे? कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स या फिर इंसीजर। तो जैसा कि आप जानते हैं 2 साल के बच्चे में मिल्क टीथ पाए जाते हैं और प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलर्स टीथ 18 साल के बाद ही निकलते हैं। तो राइट आंसर होगा बी, प्री मोलर्स टीथ बच्चे में नहीं होंगे। सेलेक्ट द मिसमैच, इनमें से कौन मिसमैच है? तो पहला है साइकस डायोसियस, साइकस डायोसियस ये सही है। साल्विनिया एट्रोस्पोरस ये भी सही है। इक्विसिस्टम होमोस्पोरस ये भी सही है। एंड लास्ट है पाइनस, यहाँ पे दिया है डायोसियस, जबकि पाइनस इज अ मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल कौन सेम प्लांट पर पाए जाते हैं। द मोर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज कोटलिडन, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प या फिर पेरिस्पर्म। राइट आंसर है बी, एंडोस्पर्म। कोकोनट में हम उसके एंडोस्पर्म को खाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, इनमें से किस में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। तो जैसे कि आप जानते होंगे डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है सी, एंजियोस्पर्म्स। स्प्लिसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, स्प्लिसियोसोम इनमें से किस सेल में नहीं पाए जाते हैं या किसकी सेल में नहीं पाए जाते हैं? फंजाई, एनिमल्स, बैक्टीरिया या प्लांट्स। इसका राइट आंसर है सी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल्स में स्प्लिसियोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट। हिस्टोन H1 का न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएशन हो जाना किसे इंडिकेट करता है या फिर क्या दर्शाता है? DNA replication is occurring. The DNA is condensed into a chromatin fiber. The DNA double helix is exposed. या फिर transcription is occurring. Right answer is B. The DNA is condensed into a chromatin fiber.
एंड लास्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन एज, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का वह रीजन जो कि लीगली प्रोटेक्टेड है और वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, रिस्टोरेशन जोन या फिर कोर जोन। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देंगे।